बड़वानी और राजपुर में कल रात 4 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 68 हो चुकी है। वहीं प्रशासन ने बड़वानी की सुपिलास कॉलोनी और स्नेह नगर कॉलोनी में कंटेनमेंट एरिया बनाए हैं, जहां पर लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है। वहीं पॉजिटिव पाए गए लोगों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगाली जा रही है और उनके परिजनों को होम क्वारंटाइन किया गया है। राजपुर में भी युवक के पॉजिटिव पाए जाने के बाद कोरोना पॉजिटिव का पहला मामला सामने आया है, जिसके बाद वृंदावन कॉलोनी कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है। इन क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी और आवश्यक वस्तु की पूर्ति की जाएगी। राजपुर से 16 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, साथ ही पीड़ित की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगाली जा रही है। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। सर, कंटेनमेंट एरिया बन रहा है, ये सुखविलास कॉलोनी है, यहाँ दो महिलाएँ जो हैं वो पॉजिटिव आई हैं, तो अभी हम और पुलिस विभाग साथ में निरीक्षण करके इसको कंटेनमेंट जोन बना रहे हैं, जहाँ से बिल्कुल आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी, केवल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति यहाँ पे की जाएगी। राजपुर में ये वृंदावन कॉलोनी में एक केस पॉजिटिव पाया गया है, उसके तारतम्य में हम लोग जो है हमारी पुलिस और रेवेन्यू की स्वास्थ्य की पूरी टीम नगर पालिका की उस एरिए को देख रहे हैं और उसको पूरा कंटेनमेंट घोषित कर रहे हैं। सर, क्या कोई कॉन्टैक्ट लिस्ट निकली? कॉन्टैक्ट लिस्ट अभी निकाल रहे हैं, क्योंकि जो जिनको पॉजिटिव आया था तो रात को ही उनको हमने हॉस्पिटलाइज कर दिया है, बड़वानी में शिफ्ट किया है, तो उनके परिवार वालों से पूछताछ करके और उनके दुकान में कौन कौन बैठते थे उनकी पूरी हिस्ट्री ली जा रही है और उसके तारतम्य में आगे जो हमारे नियम जो अनुसार गाइडलाइन है उसके क्रम में कार्रवाई करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।